मढ़ौरा के दबरा नदी किनारे स्थित नेपाली घाट, जहां तकरीबन 100 वर्ष पहले नेपाल से आए लोगों द्वारा यहां छठ पूजा की शुरुआत की गई थी, तब मढ़ौरा के चीनी मिल में सभी कर्मचारी थे। आज चीनी मिल तक बंद हो गई है, लेकिन उनके द्वारा यहां छठ पूजा की शुरुआत के बाद आज भी यहां छठ होती है, लेकिन इस घाट का नाम नेपाली घाट मशहूर हो गया। मढ़ौरा नगर पंचायत के वार्ड 9 में स्थित इस नेपाली घाट को स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य व समाज सेवियों द्वारा इस बार छठ घाट को काफी आकर्षक तरीके से सजाया गया है। साथ ही साथ प्रशासन द्वारा इस घाट को बैरिकेटिंग की व्यवस्था भी की गई है, ताकि किसी प्रकार की व्रतियों को कोई असुविधा न हो। वहीं छठ पूजा को विशेष रूप से ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन ने सभी सारण वासियों से अपील की है कि आप अपने घर के बच्चों व बुजुर्ग को साथ में रखें, खतरनाक घाटों पर भी जब जाएं उनका हाथ थाम के रखें। आते हैं डीएसपी साहब भी आते हैं, सब लोगों का देख रेख रहता है। मतलब काफी व्यवस्था है, बैरिकेटिंग किया हुआ है, यही सब व्यवस्था है। हमारे सब लोग रहते हैं, हमारा नाम विपिन बिहारी सिंह हुआ। ये किया गया है कि जो डेकोरेशन है पहले से बेहतर किया गया है, यहाँ पे लाइट की जो व्यवस्था की गई है, फूल की व्यवस्था की गई है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि टावर पंडाल बनाया गया है, और इस बार ये सब जो सतल का जो काम किया गया है, ठीक है ना, पहले से विशेष किया गया है। रंजीत कुमार सिंह, आप देख सकते हैं ये मढ़ौरा नगर पंचायत का 9 नंबर वार्ड है, 16 वार्ड है यहाँ पे मढ़ौरा नगर पंचायत में, और सबसे बेहतरीन व्यवस्था आप यहाँ देख सकते हैं हम लोगों के बीच में। यहाँ मिनिमम 3 से 4 हज़ार लोगों की भीड़ होती है, 3-4 बार से लोग यहाँ आते हैं, और आप देख सकते हैं पंडाल किस तरह से सजाया गया है, लाइटिंग की व्यवस्था है, वैशाली से लाइट लाया गया है, और पिछले बार यहाँ पे ढलैया की व्यवस्था नहीं थी जो इस बार कर दी गई। प्रिंस कुमार। जरूर दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।